हाइपरबोला में जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकी आर 0, ±√10 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। हिंदी में उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां 0, ±√10 है तथा जो बिंदु 2, 3 से गुजरता है। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां 0, ±√10 है तथा जो बिंदु 2, 3 से गुजरता है। अब आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। हमें यहां पर एक हाइपरबोला का इक्वेशन निकालने बोला गया है और यह बताया गया है कि यह हाइपरबोला हमारा एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक बिंदु से हमारा अतिपरवलय गुजर रहा है। हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर से इस बात को पढ़ते आए हैं, चाहे हमारा स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, अगर वो किसी पॉइंट से पास करेगा तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम सरल रेखा के चैप्टर से इस बात को पढ़ते आए हैं कि चाहे हमारा सरल रेखा हो, वृत्त हो, परवलय हो, दीर्घवृत्त हो या अतिपरवलय हो, ये सारी की सारी चीज़ें अगर किसी बिंदु से गुजरती हैं तो वो बिंदु का निर्देशांक जो है उसके समीकरण को संतुष्ट जरूर करता है। अब इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब ये कि हम चाहे जिसकी भी बात करें, स्ट्रेट लाइन की बात करें, सर्कल की बात करें, पैराबोला की, इलिप्स की या हाइपरबोला की, जिस पॉइंट से वो जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पर आपको एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट नज़र आएगा। उसके इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह बस उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, बस यही होता है सेटिस्फाई करवाना। और अगली बात, हमारे हाइपरबोला का फोकस दिया हुआ है, हमारे हाइपरबोला का जो फोकस दिया हुआ है, इस फोकस को ध्यान से देखिए। आपके कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमारे दो ही टाइप का तो हाइपरबोला है, दो ही टाइप का हमारा अतिपरवलय होता है। इन दोनों टाइप के अतिपरवलयों में जो इसका कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी है वो ऐसे और ऐसे है। अब इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये जो फोकी है ये इस टाइप में है। अगर इस टाइप में है तो जाहिर सी बात है, 100% पक्की बात है, यहां पर जिस हाइपरबोला की बात की जा रही है वो हमें इस रूप में मिलने वाला है। हमें यह कैसे पता चला कि फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है? ये हमने इससे पता किया कि जो हमारा फोकस है वो फोकस इस सेकंड वाले के जैसा है। वैसे आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके दिए हुए क्वेश्चन में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिससे आपको यह समझ में आ रहा हो कि आपका हाइपरबोला फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का, तब उस केस में आप हमेशा हमेशा फर्स्ट टाइप को लेके चलेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी चीज ऐसी नहीं दी गई है जिससे आपको यह पता चल सके कि आपका हाइपरबोला फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का, तो वहां पर आपको हमेशा अपने हाइपरबोला को फर्स्ट टाइप का लेके चलना है। चलिए, कम से कम इस फोकस से हमें यह पता चल गया कि हमारा हाइपरबोला ये सेकंड टाइप का है। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, माना अतिपरवलय का समीकरण। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लेना है, तो -x²/a²+y²/b² = 1। हमने अपने अतिपरवलय को ये मान लिया। साथ में क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारा जो हाइपरबोला है वो एक पॉइंट से गुजर रहा है, एक बिंदु से गुजर रहा है। अगर हमारा हाइपरबोला एक पॉइंट से गुजरेगा तो ये उसके कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हम लैंग्वेज लिखेंगे,
सिंस दिस हाइपरबोला पासेस थ्रू 2.3, चूंकि यह अतिपरवलय बिंदु 2.3 से गुजरता है, चूंकि यह अतिपरवलय बिंदु 2.3 से गुजरता है, तो ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इन वैल्यूज को रखना किसकी जगह है? इसको हमेशा एक्स और वाई की जगह रखते हैं। तो ये 2 जो है एक्स की जगह रखेंगे और 3 जो है वाई की जगह रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा माइनस का साइन जो है वैसे का वैसे ही, ये हमारा 2 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y की जगह पर हमें 3 का होल स्क्वायर लेना है अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू का 1। तो यहाँ से ये बन गया हमारा माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो आप एक चीज और समझिए। आपके क्वेश्चन में फोकस दिया हुआ है। फोकस जो होता है इसका यह होता है, अब इसमें 0 जो है वो 0 की जगह है, प्लस माइनस देखिएगा तो प्लस माइनस की जगह है, बी ई लिखा हुआ है यहां पर, बी की जगह पर आपको क्या दिख रहा है? बी की जगह पर आपको रूट अंडर 10 दिख रहा है। तो वो रूट अंडर 10 और कुछ नहीं बी की वैल्यू है, रूट अंडर 10 और कुछ नहीं बी की वैल्यू है। इसके अलावा एक चीज आप और याद रखिएगा, ये जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, उत्केंद्रता का जो सूत्र होता है, इसको अगर आप दोनों साइड में स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों में अगर इसका वर्ग कर दें, तो बहुत चमत्कारिक चीज आपके सामने नजर आएगी। कैसे नजर आएगी जरा सोचिए। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही था, अब इसमें e का फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, तो दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो इधर e का स्क्वायर होगा और इधर से रूट उड़ जाएगा। e का स्क्वायर होगा और इधर से जब रूट उड़ेगा तो यहां पर आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर आएगा। ये बी स्क्वायर को आप इधर बुला लीजिए तो ये आपका बन जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से बी स्क्वायर को आप इधर बुलाएंगे बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने कहीं अलग से नहीं लाया, ये हमने इसके सेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले का होल स्क्वायर करके निकाला है और इसी चीज को अब इस ए स्क्वायर की जगह पर रख देना है, इसी चीज को ए स्क्वायर की जगह पर रख देना है। तो यहां पर माइनस का 4 वैसे ही अपॉन ए स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, उस ए स्क्वायर की जगह पर आप क्या रखने वाले हैं? आप रखने वाले हैं बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर हमारा वैसे ही है और इज इक्वल टू के बाद 1 जो है वैसे ही है। यहां के बाद आइए, अभी अभी हमने बात की थी ये जो बी है इस बी की वैल्यू कितनी है? रूट अंडर 10 है। बी ई की वैल्यू जो है रूट अंडर 10 है। अब सोचिए अगर मैंने यहां पर स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया तो आपको क्या नजर आएगा? यहां पर अगर मैंने दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया तो आपको नजर आएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। देखिए आपको बी स्क्वायर ई स्क्वायर कहीं नजर आया? इस बी स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हम 10 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? ये इक्वेशन हमारा बनेगा माइनस का 4 अपॉन बी स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह पर हमारा 10 है, माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस का 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू का 1। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए क्योंकि ये वाला हिस्सा मैं अब इरेज करने वाला हूं।
अब आइए इसको सॉल्व कैसे करना है, एलसीएम लेकर। कैसे एलसीएम? नीचे वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइन खींच दीजिए, इसके नीचे में है आपका 10 माइनस बी स्क्वायर और उधर से है आपका बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस फोर का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा माइनस फोर बी स्क्वायर और ये 9 है, 9 प्लस 9 ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 10 माइनस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू में हमारा 1 जो है वैसे का वैसा ही है। ये ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व होगा माइनस फोर बी स्क्वायर प्लस 9 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 90 माइनस 9 बी स्क्वायर इज इक्वल टू। तब तक एक छोटा सा चीज और करिए, ये बी स्क्वायर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा का पूरा चीज जो है जब उधर जाएगा तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बी स्क्वायर को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा यहां का यहां नजर आ रहा है। अब इसको अगर मैंने उधर भेजा तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या दिखेगा, 10 बी स्क्वायर माइनस बी का पावर 4 आएगा ही। आया? अब उन सब को इधर बुला लीजिए, माइनस का बी का पावर 4 जब इधर आएगा तब ये बनेगा हमारा प्लस बी का पावर 4 माइनस 4 बी स्क्वायर हमारे पास पहले से है माइनस 9 बी स्क्वायर, ये 10 बी स्क्वायर जब इधर आएगा माइनस का 10 बी स्क्वायर बनेगा और प्लस का 90 है ये और इज इक्वल टू में 0 है। अब आइए, ये हमारा b की पावर 4 वैसे का वैसे ही माइनस 4 माइनस 9 माइनस 10 19 माइनस का 23 हो गया, माइनस का 23 बी स्क्वायर प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के जैसा दिख रहा है। मध्य पद को विखंडित करिए, माइनस 18 माइनस 5 आएगा तो यहां पर बी की पावर 4 माइनस 18 बी स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 18 बचेगा, माइनस का 5 कॉमन लेंगे बी स्क्वायर माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 है। अब यहां पर दो ब्रैकेट, मतलब यहां से आपको क्या करना है, यहां से बी स्क्वायर माइनस 18 को कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 18 अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस का 5 और इज इक्वल टू में 0। दो ब्रैकेट्स आ गए आपके पास, दो ब्रैकेट्स आ गए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स से आप सॉल्व करके बी की वैल्यू निकालिए, या चलिए बी स्क्वायर की वैल्यू के बारे में सोचते हैं। चलिए यहां पर निकालते हैं, जैसे द्विघात समीकरण में लिखकर सॉल्व करते हैं आप वैसे ही लिखकर सॉल्व करिएगा। आइदर बी स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या तो बी स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। यहां से बी स्क्वायर की पहली वैल्यू जो आ रही है ये आपको मिलेगी प्लस का 18 और यहां से बी स्क्वायर की जो वैल्यू मिल रही है ये हमको मिल रही है 5। अब जब हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो क्वेश्चन में तो आंसर एक ही बार आएगा, उस आंसर में बी स्क्वायर जो लिखा हुआ है अब उस बी स्क्वायर की जगह पर या तो 18 आ रहा है या 5 आ रहा है। यह हमें जरा चेक करना पड़ेगा कि कौन सी बी स्क्वायर की वैल्यू जो है इसके लिए सही है। कैसे चेक करेंगे,
चेक करने के लिए आप यहां पर आ जाइए। यहां पर क्या लिखा है, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा है। ये हमने कहां से लाया था, ये हमने इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला था इसका होल स्क्वायर करके उसको लाए थे। और साथ में हमको ये भी पता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू 10 है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू 10 है। ठीक, अब आइए, अगर बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू 10 है तो ये वाली जो लाइन दिख रही है ये तो आपको अब ऐसे भी नजर आ रहा होगा, 10 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां तक सही है। अब आइए, अगर आप बी स्क्वायर की वैल्यू 18 लेते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप 18 लेते हैं तो यहां पर बी स्क्वायर की जगह पर अगर आपने 18 रखा तब क्या नजर आएगा, 10 माइनस का 18 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 10 माइनस 18 करते ही माइनस का 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस का 8। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर माइनस की 8 आ गई तो ये निकालने वाले आप दुनिया के पहले आदमी होंगे जो किसी भी चीज का स्क्वायर माइनस में लेकर आ रहा हो। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर लिखा है, क्या आपने ये जाना है, हमेशा आपको ये बात का ध्यान रखना है, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, कुछ भी हो, अगर हमने उसका स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर करने के बाद वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। किसी भी चीज का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो वो हमेशा धनात्मक होता है। यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 8 आ रही है जो कि संभव है ही नहीं, संभव नहीं है। अच्छा, अगर ये संभव नहीं है तो ये आया कैसे, ये तो तब आया ना जब हमने बी स्क्वायर की जगह पर 18 लिया था। अगर हमने बी स्क्वायर की जगह 18 नहीं लिया रहता तब तो ये नहीं आता। तो इसका मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू 18 जो आ रहा है ये मान्य नहीं होगा, ये सही नहीं है। अब सोचते हैं सेकंड वाले के बारे में, बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम 5 लें, सोचिए बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तब देखिए क्या होता है। बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो यहां से 10 माइनस 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 10 माइनस 5 जो है 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हाँ ये मान सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस में आ रहा है बस यही है। तो हमने देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 है, ए स्क्वायर भी 5 है, बी स्क्वायर भी 5 है। चलिए, हमें ए स्क्वायर पता चल गया, बी स्क्वायर पता चल गया, हमें अपना इक्वेशन पता है, सबसे स्टार्टिंग में ही हमने लिखा था कि लेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता करना था, ए स्क्वायर भी हमने पता कर लिया, बी स्क्वायर भी हमने पता कर लिया, इन दोनों को यहाँ पर रख दीजिए तो आपका इक्वेशन, आपका जो आंसर बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू का 1 आ जाएगा। और यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान बस आप कुछ बातों का रखिएगा, आप अपने क्वेश्चन को बनाते बनाते कुछ ऐसी गलतियां मत कर जाइएगा जो आपसे उम्मीद नहीं है। जैसे पिछली बार यहां पर हमने ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 8 लेकर आए थे, ए स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की दो दो वैल्यू आ रही है, दोनों को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। चेक कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है इसका होल स्क्वायर करके शिफ्टिंग करने से बहुत चमत्कारिक चीज़ें हमारे पास आती हैं, उसी से हमने ये लाया था। और बी स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू हमें 10 पहले से पता थी, उसको रख दिया तो ये जो इक्वेशन आया इसी से हमने चेक किया। आइए
एक छोटा सा क्वेश्चन और हो जाता है, चलिए पूरा क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिखा, बस काम की चीज़ लिख दी है। क्वेश्चन दरअसल ऐसे है, अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 5.0 एंड फोकी इज प्लस माइनस 7.0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज वर्टिसेस आर ब्रैकेट में प्लस माइनस 5.0 एंड फोकी आर प्लस माइनस 7.0। हिंदी में उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ब्रैकेट में प्लस माइनस 5.0 हों तथा जिसकी नाभियां ब्रैकेट में प्लस माइनस 7.0 हो। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष प्लस माइनस 5.0 तथा जिसकी नाभियां प्लस माइनस 7.0 हो। यह है हमारा क्वेश्चन। इसमें से मैंने काम का चीज बस लिखा है क्योंकि जगह हमारे पास कम है। अब आइए सॉल्व करते हैं। आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो आपको सूचना आपके क्वेश्चन में दी गई है, इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से देखकर यह सोचिए कि आपका फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है या सेकंड टाइप का हाइपरबोला है। जाहिर सी बात है आंख का अंधा भी देख के साफ साफ बता देगा भाई साहब ये फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है। अगर ये फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है हमको क्वेश्चन में तो हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है, अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, माना अतिपरवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। हिंदी में माना दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। यहाँ तक मान लिया। चलिए क्या दिया हुआ है, वर्टिसेस। वर्टिसेस कितना है, प्लस माइनस 5.0। शीर्ष हमारा ये दिया हुआ है, शीर्ष हमारा इतना दिया हुआ है, लेकिन किंतु परंतु हमने तो पढ़ा था कि वर्टिसेस जो होता है वो प्लस माइनस 1.0 होता है। बट वर्टिसेस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.0, परंतु शीर्ष बराबर प्लस माइनस 1.0। अब दोनों का अगर मैंने कंपैरिजन किया, दोनों का मैंने अगर तुलना किया, तो यहां से साफ साफ आप देख पा रहे हैं ए की वैल्यू आपको 5 दिख रही होगी। ए की वैल्यू 5 दिखी, ए की वैल्यू 5 दिखी। चलिए यहां से एक चीज हमें पता चल गया, ए हमेशा हमेशा हाइपरबोला का इक्वेशन अगर निकालना है, इक्वेशन निकालना है, तो आपको ए और बी चाहिए और बाकी सब जुड़े हुए कोई भी चीज़ और निकालना है, ए चाहिए, बी चाहिए और ई चाहिए, तीनों चाहिए। केवल इक्वेशन के लिए ए और बी चाहिए, बाकी सब में अगर कुछ और चाहिए, बाकी और कुछ निकालना है, तो उसमें बी ए बी और ई तीनों लगता है। हमने ए की वैल्यू तो निकाल ली, बच गया बी। बी कैसे निकालें, अब देखिए एक चीज़ हमारा छूटा हुआ है, का फोकस हुआ, फोकी इज इक्वल टू प्लस माइनस 7.0। ये तो दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूले में फोकी जो होता है प्लस माइनस 1.0 होता है। बट
फोके इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, हिंदी में नाभियां इज इक्वल टू ब्रैकेट में प्लस माइनस सेवन कॉमा जीरो, परंतु नाभियां सूत्र तो ये होता है, दोनों का अगर आप कंपेयर करें, दोनों का अगर आप तुलना करें, तो यहां से आपको पता चलेगा ए ई जो है वो शानदार रूप से सेवन के बराबर है, ए सेवन के इक्वल है, ए सेवन के इक्वल है। ए की वैल्यू आपको फाइव पता है, ए की वैल्यू को यहां रख दीजिए, ए की वैल्यू को रखते ही फाइव ई इज इक्वल टू सेवन, ई इज इक्वल टू सेवन बाई फाइव, ई पता चल गया। हम तो लेकिन बी ढूंढने निकले थे, बी तो मिला नहीं, ई मिला है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, यहां आइए, ये सभी मर्जों की दवा है, सब का इलाज यहां से मिल सकता है। अब आइए, आपको ई की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, आप ढूंढ रहे हैं बी, मिल जाएगा आपको वो यहां से। कैसे मिलेगा भाई? दोनों साइड में स्क्वायर करिए, दोनों साइड में अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो यहां से आपको क्या दिखेगा? यहां से आपको दिखेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को आप इधर बुला लीजिए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आइए, क्या आपको ए की वैल्यू पता है? जी हाँ पता है। ई की वैल्यू पता है? वो भी पता है। तो ए और ई की जगह सब वैल्यू को पुट करिए, सॉल्व करिए, जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट आपका बी स्क्वायर का वैल्यू होगा, डायरेक्ट जो भी निकलेगा आपका बी स्क्वायर का वैल्यू होगा। अब आइए, ए अगर पता है तो ए स्क्वायर पता चल जाएगा, और बी स्क्वायर आपको यहां से निकल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका इक्वेशन है हाइपरबोला का। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, समझ अगर पा रहे हैं सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में। इसके अलावा हाइपरबोला में कोई विशेष टाइप के अलग क्वेश्चंस नहीं होते, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब ऐसे ही रहते हैं। और चूंकि आपने इलिप्स पढ़ा हुआ है, तो इलिप्स में हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, सेम पैटर्न हमारा हाइपरबोला का भी होता है।